नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर त्यागी, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है द लग्जरी रियल्टी हब। दोस्तों, जीरकपुर में हम एक बार फिर से एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं जो आपको 130 गज का विला बना के दे रहे हैं, जिसकी जो डायमेंशन रहने वाली है वो 24x48 की रहने वाली है। थोड़ा सा अगर जो मैं कैमरे को बोलूंगा, आप दिखाना चाहें तो आप लेआउट देख सकते हैं, बड़ा ही प्रीमियम लेआउट बनाया हुआ है, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल के ऊपर ये आपका बनाया हुआ है। थोड़ा सा लोकेशन के ऊपर आते हैं दोस्तों, लोकेशन ये आपकी पड़ेगी हाई ग्राउंड रोड की, जो आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है पटियाला हाईवे से, जो आपको इसी रोड को, जो बिल्कुल इसका अगर जो हमें फ्रंट फेस की बात करूं तो एरो सिटी आई ब्लॉक से भी यहाँ पे डायरेक्टली आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। तो अब थोड़ा सा लोकेशन पे मार्केट के बारे में आ जाते हैं। आप जस्ट अपनी विलास से बाहर निकलिए, बिल्कुल ही फ्रंट में हमारे पास डेली नीड शॉप्स आ जाते हैं, बिकॉज हमारे सामने ही रोड है, और साथ के साथ यहीं पे मंदिर की फैसिलिटी, स्कूल की फैसिलिटी, और साथ के साथ जो जैसे बस सर्विसेज है, सीटीयू की बस सर्विसेज भी यहाँ से सिर्फ 200 मीटर पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई करती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं, ना आपको यहाँ कमर्शियल की दिक्कत है, ना ट्रैवलिंग की दिक्कत है, ना हॉस्पिटल्स की दिक्कत है, ना स्कूल की दिक्कत है। अब दोस्तों, मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। बेसिकली आप आइए एक बार अंदर, प्रॉपर गेटेड टाउनशिप रहने वाले हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी दिए जा रहे हैं, इवन आपको विला के अंदर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्रंट हमारा 24 का रहने वाला है, ये बिल्कुल एक्चुअल विला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अंदर आइए, पार्किंग स्पेस प्रॉपर आपको जो दी जा रही है, चाहे आप फॉर्च्यूनर खड़ी कर लो यहाँ तब भी पार्किंग स्पेस कैसे बहुत अच्छी है। स्लाइडिंग गेट आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, साथ के साथ ये एरिया आपको चाहे बाइक स्पेस कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए वॉशिंग पॉइंट की तरह आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सेस दिया हुआ है। डबल एंट्री रहेगी, चाहे बाहर से आप एंट्री कर लीजिए, चाहे आप अंदर से एंट्री कर लीजिए। साथ के साथ सीसीटीवी जितने कैमरे होंगे आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करके मिलेंगे। एक बार ही अंदर आइए प्लीज, मैच डोर आप देख सकते हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के लगा के दिए गए हैं, और साथ के साथ इनकी हाइट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट प्रीमियम है तो आपको वुड वर्क भी बड़ा प्रीमियम होगा, टीक वुड यहाँ पे यूज करे गए हैं। एक बार यहाँ पे आ जाइए, आपको मैं ड्राइंग एरिया का दिखाना चाहूंगा। आप ड्राइंग एरिया का साइज देखिए, यहाँ पे ड्राइंग एरिया का साइज देखिए, ड्राइंग एरिया के अंदर हम एलईडी पैनल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ के साथ जैसे मैंने बताया था डबल एंट्री रहेगी, वुड वर्क कंप्लीट है, और ये सारा का सारा ग्लास वुड का, ग्लास का काम इसलिए आपको करके दिया है ताकि आपकी सनलाइट बड़ी अच्छी बनी रहे। काफी थोड़ी सी लंबी होने वाली है वीडियो, आपको डिजिटल लॉक प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, और जो आप ये वाला फ्रेम देख रहे हैं पूजा फ्रेम, बॉटम टू टॉप तक ये पूरा आपको ऊपर तक प्रोवाइड करके दिया गया है। साथ के साथ हम यहाँ डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं। डाइनिंग एरिया में जो आप इस टाइम देख रहे हो 4 सीटर सोफा है, बट अगर जो हम यहाँ 6 या 7 सीटर भी लगाएं तब भी आपको स्पेस जो है इनफ है। पूरे घर के अंदर फॉल सीलिंग जैसी आप देख रहे हैं सेम कंप्लीटेड वैसी रहेगी। ये वाला जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम आपको ऑलरेडी कंपनी खुद आपको प्रोवाइड करके दे रही है, साथ के साथ जितने स्विचेज हैं वो सारे आपको लीक गार्ड के स्विचेज प्रोवाइड करके दिए गए हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो यहाँ का किचन आ जाता है। किचन आप प्रॉपर ऊपर से नीचे तक एक बार ही देखें, जितना भी इसके अंदर आपको वुड का काम दिया हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग वाला काम दिया हुआ है, ये सारा का सारा सॉफ्ट टच रहने वाला है। यहाँ पे एक खास बात और है, जैसे आपको चिमनी पॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये ओपन नहीं रहेगा, ये प्रॉपर बाहर तक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। साथ के साथ डबल सिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर ग्लास का भी कंसेप्ट इसके अंदर मिक्स्ड कंसेप्ट अंदर लेके आया मैं, ताकि जो प्रीमियम लुक है वो हमेशा प्रीमियम ही रहे। एक बारी बैक साइड आइए वॉशिंग पॉइंट पे, यहाँ पे प्लीज दोस्तों थोड़ा ध्यान देने वाला है, वॉशिंग पॉइंट आपको प्रॉपर वेट पॉइंट बाहर भी दिया गया है, साथ के साथ ये वाले जो आपका कंसेप्ट है ये आपको हर एक विला के अंदर विद लाइट्स के साथ दिया हुआ है। मैक्सिमम जो ऑप्शन रहेगा वो टाइल्स के साथ ढका हुआ रहेगा। एक बार हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, आ जाइए दोस्तों। इस विला में प्लीज आप साइज के ऊपर बड़ा ध्यान दीजिएगा, 6x6 का साइज लगा हुआ है, उसके बाद भी आप ओपन स्पेस देख सकते हैं। यहाँ पे 6x6 की जगह आप 10x10 बेड भी लगा लें तो वो भी बहुत, तब भी आपकी काफी स्पेस बचती है। विंडो का प्रोविजन रूम में भी प्रोवाइड किया है, फॉल सीलिंग आपको दी गई है, साथ के साथ ड्रेसिंग एरिया आप देखिए, ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट कर दिया, ये भी है, ये भी आपका ड्रेसिंग एरिया की तरह आपको दिया गया है। साथ के साथ वॉशरूम में आ रहे हैं, जैक्वार सेरा की प्रॉपर फिटिंग आपको करके दी जा रही है, विद वैनिटी बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्लास की एक अलग से आपको लाइक सेपरेशन करके दी गई है, और यहाँ पे भी आपको इंटीरियर के लिए काफी अच्छा प्रोविजन प्रोवाइड करके दिया गया है। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, बट विला ही इतना बड़ा है क्या करूं,
ऑप्शंस ही हमारे पास काफी आ जाते हैं। एक बार हम फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, जो आपकी जितनी स्टेयर्स रहेंगी अंदर से ही रहेंगी, साथ के साथ इसमें स्टील का काम आपको प्रोवाइड करके दिया गया है। ये जो ऑप्शन आ जाता है ये प्रॉपर लॉबी ऑप्शन आ जाता है आपका। मैंने आपको नीचे पूजा सेगमेंट के साथ एक चीज दिखाई थी जो प्रॉपर टॉप तक आपको बिल्कुल प्रोवाइड करके दे रहा है। इनकी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है बेसिकली। साथ के साथ जो वायरिंग का काम भी है वो भी ली गार्ड का काम भी है। यहाँ भी फॉल सीलिंग विद कंसील्ड लाइट आपको प्रोवाइड करके दी गई है। अब सेकंड रूम में हम एक बारी आ रहे हैं। सेकंड रूम के साथ आपको दो तरीके की बालकनी दी गई है। एक तो फ्रंट बालकनी दी गई है जिसमें डोर्स का आप सबसे खास ध्यान रखिएगा। फ्रंट में आपको सिटिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जैसे मर्जी बैठिए। साथ के साथ एक बालकनी और दिखाऊंगा आपको, आइए। इस बालकनी में आप बेसिकली जैसे आप पार्टी पूटी करना चाहें या आप किसी भी तरीके का कुछ ऑप्शन रखना चाहें तो यहाँ पे आप प्लांटिंग भी कर सकते हैं। रूम का साइज फिर मैं आपको कहूंगा 6x6 का बेड लगा हुआ है। आफ्टर दैट हमारा सर्कुलेशन एरिया बहुत अच्छा निकल के आता है। एक बारी फिर वॉशरूम में चलें। वॉशरूम में आप देख सकते हैं फिर से सेपरेशन दिया हुआ है ग्लास का, आपको बॉटम टू टॉप तक टाइल दी गई है। दोस्तों फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप ये वाला ऑप्शन देखिए जरा थोड़ा सा आगे आगे। इंटीरियर का ये सेगमेंट जब इसमें लाइट्स जलती है आप वॉशरूम यूज करते हो ये बहुत प्यारा लगता है। जैगुआर सेरा की फिटिंग्स के साथ ये वाला ऑप्शन आपको वुड वर्क का आपको करके दिया गया है। फॉल सीलिंग में लकड़ का काम करके दिया गया है। ये वाला जो एरिया रहेगा यहाँ पे आपको ये वाला एलईडी पैनल और ये बॉक्स आपको अलग दिया गया। ये आपका स्टोर आ गया। आप स्टोर का साइज भी देखिएगा दोस्तों, बहुत अल्टीमेट विला है ये। 130 गज का विला है, 24x48 डायमेंशन है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1,40,00,000 इसकी डिमांड है और बहुत अच्छा नेगोशिएबल है। सेकंड रूम में फिर से आप प्लीज इसका एक तरीके से साइज देखें। साथ के साथ एलईडी लाइट्स के साथ फॉल सीलिंग प्रोवाइड करी गई है। अब मैं आपको फिर से सेकंड पार्ट दिखाऊंगा, यहाँ आपका एलईडी पैनल आ जाएगा विद बॉक्स। ये हमारा जो सारा रहेगा अलमीरा ऑप्शंस रहेगा, ये प्रॉपर बॉटम टू टॉप तक आपको स्लाइडिंग अलमीरा प्रोवाइड करी गई है और साथ के साथ एक एक्स्ट्रा अलमारी यहाँ पे प्रोवाइड करके दी गई है। वॉशरूम का फिर से साइज देखिए दोस्तों, कई फ्लैट्स में इतना बड़ा सिर्फ आपका एक छोटा रूम प्रोवाइड होता है। जैक और सेरा के साथ फिटिंग और साथ के साथ ग्लास पार्टीशन। अब इसी रूम के साथ वेंटिलेशन के लिए एक बालकनी और प्रोवाइड करके दी गई है, या फिर आप बेसिकली इसे अगर जो बनाना चाहें तो वॉशिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। बिकॉज टैप ऑप्शन और इलेक्ट्रिकल पैनल आपको हर एक बालकनी में प्रोवाइड किया गया है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां कैसे यूज करना चाहते हैं। ऊपर चलते हैं दोस्तों, आ जाइए। विला का सबसे प्यारा कंसेप्ट ही होता है कि हमें मतलब बेसिकली खुला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। ये ऑप्शन आप जैसे मर्जी चाहे स्टोर की तरह यूज कर सकते हैं, काफी सफिशिएंट ऑप्शन है। विला के अंदर ऊपर आपको इवन ईटों का वर्क भी करके दिया गया है ताकि नीचे हीट ना जाए। ये वाला ऑप्शन दोस्तों विला के अंदर सबसे प्यारा है। इलेक्ट्रिकल पैनल आपको प्रोवाइड करे गए हैं, वाटर टैप्स के ऑप्शन आपको बैक साइड प्रोवाइड करके दिए गए हैं। यहाँ आप अपना गजीबो बनाए, बारबिक्यू बनाए, पार्टी फंक्शन आप जैसे चाहें फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया था टैप ऑप्शन आपको पीछे प्रोवाइड करके दिया गया। आपके पास बहुत सफिशिएंट जगह है, ऊपर आप चाहे तो शेड के साथ एक रूम और भी डाल सकते हैं अगर जो आप डालना चाहें। बट मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े विला के अंदर 3BHK प्रॉपर कंसेप्ट है, आपको और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक विला का कंसेप्ट, बिल्कुल ही पटियाला हाईवे के नजदीक है। ऑलरेडी फैमिलीज आसपास देख सकते हैं आप, बिल्कुल बसी हुई फैमिली है, मार्केट है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। अगर जो आप इस तरीके का ऑप्शन देख रहे हैं तो प्लीज विजिट का जल्दी प्लान करिए। हमारे पास सिर्फ 16 विलाज हैं और सारे के सारे सेल्स पे लगे हुए हैं। डिमांड बहुत है इस टाइम विला की, बहुत अच्छा नेगोशिएबल है दोस्तों। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा और प्लीज दोस्तों बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।